नमस्कार, क्लीन न्यूज यूबी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताजा खबरों का। पेंशनर्स को मिली राहत, अब लाइफ सर्टिफिकेट के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे बैंक के चक्कर, ऐसे करें आसानी से हासिल। सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है, अब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनकी सहूलियत के लिए इंडिया पोस्ट ने एक राहत भरी घोषणा की है। इसके तहत अब पेंशनर अपने पास के किसी भी पोस्ट ऑफिस से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी जो तकनीकी जानकार नहीं है या उन्हें इसे लेने के लिए बैंक जाना पड़ता है। इंडिया पोस्ट ने इस सिलसिले में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है और कहा कि वरिष्ठ नागरिक अब आसानी से निकटतम डाकघर CSC काउंटर पर जीवन प्रमाण पत्र सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जीवन प्रमाण की आधिकारिक वेबसाइट jeevanpraman.gov.in के अनुसार इस जीवन प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को या तो व्यक्तिगत रूप से पेंशन वितरण एजेंसी जाना होगा या प्राधिकरण द्वारा जारी जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जहां वे पहले सेवा दे चुके हैं और इसे संवितरण एजेंसी को सौंप दिया है। पेंशन का पैसा अब IPO और शेयरों में लगाने की मिलेगी मंजूरी। PFRDA 2 से 3 दिन में नए नियमों का करेगी ऐलान। पेंशन फंड का पैसा बहुत जल्द ही शेयर बाजार में आने वाले IPO में निवेश हो सकेगा। पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA पेंशन फंड मैनेजर्स को जल्द ही IPO और शेयरों में निवेश करने की मंजूरी दे सकता है। ये बात PFRDA के एक बड़े अधिकारी ने कही है। अगर ऐसा हुआ तो पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स को ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आपके घर की बेटियों को सरकार दे रही 15,000 रुपये, जाने किसे और कितना मिलेगा फायदा। केंद्र की तरह राज्य सरकार की ओर से भी कई तरह की स्कीम चलाई जाती है जिसमें लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है। यूपी सरकार की ओर से एक खास स्कीम चलाई जाती है जिसका फायदा राज्य की लड़कियों और महिलाओं को मिलता है। इस स्कीम का फायदा सरकार 6 किस्तों में देती है। इस स्कीम का नाम कन्या सुमंगल योजना है। इसमें सरकार की ओर से महिलाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए जरूरी है कि आप उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने चाहिए। इस योजना का लाभ अधिकतम एक परिवार की 2 लड़कियां ही उठा सकती हैं। इसके अलावा आवेदक या उसके परिवार की कुल आय 3 लाख या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी परिवार में जुड़वा बेटियां हुई तो वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस स्थिति में एक परिवार की 3 बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, 2 जुड़वा बेटियां और 1 एकल बेटी। यूपी सरकार 217 शहरों में देगी फ्री वाईफाई की सुविधा, नगर निकाय उठाएगा खर्च। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 17 नगर निगम वाले 217 शहरों में मुफ्त वाईफाई देने जा रही है। नगर निकाय इस सुविधा के लिए इंटरनेट कंपनियों से करार करेंगे। बड़े शहरों में 2 स्थानों पर और छोटे शहरों में 1 स्थान पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। वाईफाई में इंटरनेट की स्पीड पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना या फिर नगरीय निकाय अपने स्रोत से इसका खर्च उठाएंगे। निकायों से कहा गया है कि सुविधा देने की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। यूपी में फ्री राशन आज से मिलना शुरू होगा। दूसरे चरण का मुफ्त गेहूं और चावल वितरण। कोरोना काल में जुलाई के द्वितीय चरण का मुफ्त राशन वितरण आज से शुरू होगा। जनपद के 1268 राशन की दुकानों पर एक साथ राशन वितरण शुरू होगा। वितरण में सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस लागू की है। राशन कार्ड के नंबर के अंतिम अंक के हिसाब से ही 20 से 31 जुलाई तक वितरण होगा। 31 जुलाई को OTP के तहत राशन का वितरण होगा। 11 दिन में जनपद के 7.36 लाख कार्ड की 30.54 लाख यूनिट पर गेहूं चावल दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों के प्रति यूनिट 3 किलो चीनी और 2 किलो चावल मुफ्त मिलेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि बुधवार सुबह 6 बजे से राशन वितरण शुरू होगा। शहरी क्षेत्र में 373 और ग्रामीण क्षेत्र में 895 दुकानों पर नोडल अफसरों की मौजूदगी में कार्ड धारकों को राशन मिलेगा। व्यापारियों के लिए CM योगी का नया आदेश, DM और SSP करेंगे यह काम। CM योगी ने व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। DM और SSP को व्यापारियों की समस्या अब जिले में ही निपटानी होगी। महीने में एक दिन निर्धारित कर व्यापार मंडल उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाएगी। इसमें बड़े व छोटे सभी व्यापारियों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए त्वरित निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उच्चाधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द इस पर अमल किया जाए। प्रदेश के व्यापारियों की जमीन विवाद नए उपक्रम को चालू करने के लिए जमीन की जरूरत, कानून
कानून व्यवस्था, अराजक तत्वों के मामले, बिजली, पानी, साफ सफाई के साथ उनकी सभी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी, जिसमें व्यापारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। व्यापारियों ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। मिशन 2022 से पहले गांवों तक पहुंची बीजेपी, जानिए क्या रही रणनीति। कभी शहरी लोगों की पार्टी माने जाने वाली भाजपा धीरे धीरे गांव तक पहुंच गई है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि पंचायत चुनाव में जिले से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक भाजपा का दबदबा रहा। मंगलवार को 825 ब्लॉक प्रमुखों ने शपथ ली, जिनमें से 648 भाजपा के हैं। यह दावा किया जा रहा है कि भाजपा की सफलता के पीछे किसानों के ऋण माफी योजना के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना करने के फैसले हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 में से 67 सीटें भाजपा के खाते में गई। पहली बार सपा के गढ़ में भी भाजपा ने अपना परचम फहराया। राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में गांव में पैठ बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार ने नियोजित तरीके से काम किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सीएम ने पहले ही कैबिनेट में 84,000 लघु सीमांत किसानों को 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। प्रदेश में ऐसे किसानों की संख्या करीब 92% है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक, गले में ट्यूब डालकर दी जा रही ऑक्सीजन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। अब वह खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके फेफड़ों और खून में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। फेफड़े, दिल, गुर्दा, लीवर पर दबाव बढ़ गया है। इसका असर दिमाग पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते मंगलवार की रात डॉक्टरों ने उनके गले में ट्यूब डालकर फेफड़ों को ऑक्सीजन देना शुरू किया। इसे चिकित्सकीय भाषा में इंट्यूबेट कहते हैं। SGPGI के निदेशक डॉक्टर RK धीमन ने बताया कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन के ICU में भर्ती पूर्व मंत्री कल्याण सिंह के उपचार में लगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने बुधवार सुबह वार्ड का निरीक्षण कर उनकी सेहत का जायजा लिया। उनकी अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है, कोई खास सुधार नहीं हो रहा है। शरीर में संक्रमण अभी भी बना हुआ है। उनके उपचार में दिल, गुर्दा, डायबिटीज, न्यूरो, यूरो, गैस्ट्रो व क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग समेत 12 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी में लगी हुई है। मनोवर राणा को लेकर यूपी के मंत्री का विवादित बयान, भारतीयों के खिलाफ खड़े होने वाले एनकाउंटर में मारे जाएंगे। योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बलिया में मीडिया से बात करने के दौरान शायर मुनव्वर राणा को लेकर विवादित बयान दिया है। आनंद स्वरूप का कहना है कि जो भी भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे वह एनकाउंटर में मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुनव्वर राणा उन लोगों में से हैं जो 1947 के बंटवारे के बाद भारत में रुक गए थे और देश को अंदर से तोड़ने की साजिश रचने वालों में शामिल रहे। ऐसे में जो भी लोग भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे वह एनकाउंटर में मारे जाएंगे। बता दें कि हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह राज्य छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि वह यह भी मान लेंगे कि अब यूपी मुसलमानों के लिए रहने लायक नहीं है। मुनव्वर राणा ने उत्तर प्रदेश चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि ऐसी पार्टियां ध्रुवीकरण के मसले को बल देकर चुनाव लड़ना चाहती हैं। 24 घंटे तक हल्की बारिश के आसार, जानिए मौसम अपडेट। मौसम विभाग और निजी एजेंसी स्काई मेट के अनुसार 24 घंटे तक मेरठ सहित वेस्ट यूपी में मानसून थोड़ा हल्का रहेगा। इससे इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छुटपुट का बारिश का दौर इस दौरान बना रहेगा। एजेंसी के अनुसार 24 से 25 जुलाई से एक बार फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ेगी, इससे एक बार फिर से बारिश में तेजी आएगी। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।